45वें नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप पहले दिन दिफाई चैंपियन मोहम्मद बिलाल और टॉप सीड मोहम्मद आसिफ को हरीफ खिलाड़ियों को शिकस्त देने के लिए सख्त जिदोजहद करना पड़ी। मोहम्मद सज्जाद ने भी टूर्नामेंट में फातिहाना आगाज किया। कराची जिम खाना में दिफाई चैंपियन मोहम्मद बिलाल को शारिक अली ने टफ टाइम दिया। एक मौके पर बिलाल 2-1 के खसारे में थे, फिर 3-2 के खसारे में गए, लेकिन आखिरी दो फ्रेम्स बिलाल ने जीत कर 4-3 से फतह अपने नाम कर ली। आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने मोहम्मद नजीर के खिलाफ 2-1 के खसारे में जाने के बाद कमबैक किया और 4-2 से कामयाबी अपने नाम की। असजद इकबाल और आसिफ टोपा के दरमियान भी सनसनीखेज मुकाबला हुआ। असजद ने 3-0 के खसारे से कमबैक करते हुए 4-3 से कामयाबी अपने नाम की। साबिक चैंपियन मोहम्मद सज्जाद ने मोहम्मद इमरान को बगैर कोई फ्रेम ड्रॉप किए शिकस्त दे दी, जबकि नसीम अख्तर ने मोहम्मद याकूब के खिलाफ पहले फ्रेम में 97 का ब्रेक खेलते हुए 4-0 से फतह समेटी।